ओम सभी को मेरी ओर से डॉक्टर कनक की ओर से हार्दिक नमस्कार एवं अभिनंदन। परम पूज्य स्वामी जी को सूक्ष्म रूप में ध्यान करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मुझे जो बताया गया पूज्य बहन जी द्वारा कि आप सब नेपाल से आए हैं, लगभग 500 के करीब आप योग शिक्षिकाएं हैं हमारी बहनें और माताएं। तो आप लोग गांव-गांव में जाके घर-घर में जाके लोगों से जुड़ करके जन अभियान की तरह पतंजलि के जो योग प्रोटोकॉल है पूज्य स्वामी जी पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी के, वो आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ा कार्य है लोगों के स्वास्थ्य को आप बढ़ाने के लिए। तो इस अनुसार ही मैं आपको आज का जो हमारा सेशन है 1 से 1.5 घंटे का, इसमें सारी जानकारी आपके अनुसार ही उपलब्ध कराना चाहता हूँ। तो हम इसमें शुरुआत में करना चाहूंगा सबसे पहले अपना पतंजलि वेलनेस से। पतंजलि वेलनेस क्या है बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं पतंजलि वेलनेस क्या है, किस प्रकार से हम लोग कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आप लोगों का क्या योगदान रहेगा और जन तक आप कैसे उनको स्वास्थ्य में उनके रूटीन में लाभ पहुंचा सकते हैं बीइंग योगाचार्य, आप अपने पतंजलि के योग शिक्षिकाएं होते हुए। तो पतंजलि वेलनेस विश्व का सर्वप्रथम इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक मेडिसिन कॉन्सेप्ट है परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा, आचार्य श्री के द्वारा। इसमें हम जितनी भी चिकित्साएं हैं जिसमें हम लोग किसी तरह से ह्यूमन बॉडी को और शरीर को आर्टिफिशियली और किसी अनएफिशिएंट चीज के द्वारा जिससे नुकसान हो, जैसे एलोपैथी एक व्यवस्था है आप सब परिचित हैं, आपके नेपाल में भी जितने हॉस्पिटल में आप जाते होंगे बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल देते हैं, खांसी जुखाम है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी एलर्जिक देते हैं, इस प्रकार से आपको दवाएं देते हैं। आपके जोड़ों में दर्द है तो पेन किलर देते हैं, साथ में एंटासिड दे देते हैं सुबह खाली पेट लेने के लिए। और इस व्यवस्था से आप अच्छी तरह से एक्सपोज हैं, आप सभी को जानकारी है कि क्या कैसे एलोपैथी की व्यवस्था चलती है। किडनी की प्रॉब्लम हो गई किसी को आपके नोन में तो उनको पहले बोलते हैं कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा फिर किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी। ऐसे कोई ना कोई आप लोगों के आसपास में कोई अल्कोहलिक है, किसी के हस्बैंड रेगुलर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनका जब लिवर खराब हो जाता है तब फिर उनसे डॉक्टर कहते हैं कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, इसका कोई उपचार नहीं है, एक बार लिवर खराब हो गया तो ये डैमेज हो गया परमानेंट। इसी तरह से आपने ILD सुना होगा, लंग डिसीज, ये लंग्स का एक एडवांस डिसीज होता है जिसमें सांस भरने की और लंग का फाइब्रोसिस हो जाता है कि सांस एकदम फूलती है और थोड़ी थोड़ी देर में, तो ओल्ड एज में भी काफी लोगों को हो जाता है, किसी को इन्फेक्शन के बाद भी जाता है, तो उसमें भी डॉक्टर्स क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देते हैं ऑक्सीजन कंटिन्यूस और उसके बाद कहा जाता है पेशेंट को कि आपका लंग ट्रांसप्लांट होगा। इसी तरह से छोटी छोटी और बीमारियां आप लोगों ने आसपास में देखी है, मोस्ट कॉमन फीमेल्स में आप लोगों में सबसे ज्यादा घर पे क्या दिखती है, एक तो शरीर में दर्द, आप सब में से भी लगभग मुझे लगता है 2% ऐसे हो सकते हैं जिसको बार बार जोड़ों में दर्द होता हो, पैरों में दर्द रहता है, काफ्स में, किसी को घुटने में, कमर में, गर्दन में दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है ना, होता है कई लोगों को। तो छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम परेशानियां, इसको हम एलोपैथी के अलावा जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिसका एक होलिस्टिक जो हमने पद्धति बनाई है पूज्य स्वामी जी आचार्य जी ने, दैट इज पतंजलि वेलनेस इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक मेडिसिन कॉन्सेप्ट। तो इसमें आयुर्वेद सबसे प्रथम है, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, तो इसको मिलाकर के लगभग पूरे समाज में और पूरे आपके देश में, हमारे भारत में, नेपाल में, जितनी भी बीमारियां या दुनिया में, उसमें हम 90 से 99% तक बीमारियों को बचा भी सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कैसे, जैसे कि ब्लड प्रेशर सबसे कॉमन बीमारी है, आप सबने अपने घर में भी देखा होगा कि किसी का भी BP बढ़ गया नॉर्मल से ज्यादा, तो आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, BP ज्यादा है तो आपको दवा दे देंगे, वो टेलमिसार्टन, एक रात को लेना है एक सुबह लेना है, एंटासिड दे देंगे और बस उससे दे देंगे, एम्लोडिपिन दे देंगे 5 या 10 mg 20 mg, यही वो करते हैं। पर सिर्फ बीपी की गोली लेके आपको लगता है कि वो बीमारी ठीक हो गई, उसकी दवा फिर बढ़ती जाती है, आपने अगर डाइट में ध्यान नहीं दिया, लाइफस्टाइल में ध्यान नहीं दिया, वो दवा तो मेंटेनेंस डोज है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं,
कुछ समय के लिए आपको मेंटेन कर रही, पर जैसे ही स्ट्रेस हुआ आपने सोए नहीं, बीपी क्या हुआ, फिर वापस आपने चेक किया तो 200/100, 180/110 इस तरह से ज्यादा आया। और दवा ले रहे हैं फिर भी, आप ये माने आप दवा ले रहे हैं फिर भी, दवा इज नॉट क्योर, जो कि आप एलोपैथी की मेडिसिन। शुगर हो गई सपोज, डायबिटीज आपने बहुत देखा है, नेपाल में भी बहुत कॉमन है आपके यहाँ, तो डायबिटीज शुगर के लिए वो दवा दे देते हैं भाई, है ना, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन, जो भी कॉम्बिनेशन सुबह शाम आपको लेना है, सुबह दोपहर शाम लेना है। और दवा से अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुआ, HbA1c कम नहीं हुआ, तो फिर इंसुलिन चला देते हैं, कि आपको इंसुलिन का इंजेक्शन सुबह दोपहर शाम खाने से पहले और रात में सोने से पहले, लॉन्ग एक्टिंग। तो इससे आपकी बीमारी क्योर हो रही है डायबिटीज, आपने देखा किसी की कि दवा लेने से एक भी व्यक्ति की बीमारी क्योर हो गई? नहीं। तो दवा पे जैसे ही आप एलोपैथी पे आते हैं, जीवन भर के लिए आप दवा पे डिपेंडेंट हैं। दवा सिर्फ मेंटेन कर रही है, सिर्फ मेंटेन कर रही है, और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जा रही है, दवा भी बढ़ती जा रही है, दवा से बीमारी खत्म नहीं हो रही है। किसी भी प्रकार के आप कॉमन बीमारी ले लें जिसके लिए आप जाते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है पतंजलि वेलनेस का, इसमें जो उद्देश्य रहता है पेशेंट के साथ, जो इनको हम पेशेंट से ज्यादा हम साधक बोलते हैं, योगग्राम में या वेलनेस में, आप कहीं पे भी आप अपना हफ्ते भर का इलाज लेंगे शुद्धिकरण के लिए, तो हम आपको साधक बोलेंगे, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं योग साधना कर रहे हैं, यज्ञ साधना आपने पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी से सीखी, तो साधक आप हैं। तो आपका उद्देश्य है, जो हमारा पेशेंट आता है, जो हमारा साधक आता है पेशेंट, सबसे पहले हम उसको बहुत डिटेल में कंसल्टेशन करते हैं, आयुर्वेद वैद्य नेचुरोपैथी डॉक्टर दोनों मिल करके अलग अलग कंसल्ट करते हैं, बहुत ही डिटेल में उनकी साइकोलॉजिकल क्या क्या समस्याएं, नींद आने की शिकायत है कि रात में नींद नहीं आ रही है, हम जब तक नींद की गोली नहीं लेते नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है, अत्यधिक विचार रहते हैं रात को, इस प्रकार से छोटी 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 समस्याएं, आपके विटामिन D3 और B12, इस पे मैं 2 मिनट आपको अभी बता देना चाहता हूँ। विटामिन डी जो कि हमें सूर्य की रोशनी से मिलता है, अपनी बॉडी में डेवलप होता है, D3 उसको बोलते हैं, और विटामिन B12 जो हमें थोड़ा दही से, थोड़ा स्प्राउट से और सब्जियों से, इससे नेचुरली मिलता है, इन दोनों की इंडिया में भी, नेपाल में भी और पूरी दुनिया में, हम दोनों देशों में तो सबसे ज्यादा लोगों को डेफिशिएंसी होती है। आप सब भी अपना चेक कराएंगे तो कॉमनली जो नॉर्मल बॉडी पेन होता है कि थक गए, जल्दी थक गए शाम को, काम कर घर का ही काम कर रहे हैं आप लोग नॉर्मल, थोड़ा सा आप योग ले रहे हैं उसमें जल्दी थक गए, आपने 1 घंटा योग कराया और आपको थकान हो गई एकदम से, आके आपके शरीर के अंदर ताकत ही नहीं है, इस तरह से आपको लेथार्जिक फील हो रहा है, तो इसकी सबसे कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम रहती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3 एंड विटामिन B12 सबसे ज्यादा, क्योंकि आजकल हम लोग धूप का स्नान कर ही नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर नीरज जी ने बताया होगा पंच महाभूताज में धूप का स्नान बहुत ही जरूरी है हमारे बोन के डेवलपमेंट्स के लिए, हमारे शरीर में दर्द ना हो इसलिए, ना सिर्फ विटामिन D3 और भी हमें विवग्योर से काफी सारी चीजें शरीर में मिलती है, न्यूट्रिशन के तौर पे यूटिलाइजेशन होता है। जरूरी है कि आपका विटामिन D3 मेंटेन रहे, विटामिन B12 मेंटेन रहे, दोनों नेचुरली मेंटेन किए जा सकते हैं। और उसके साथ साथ अपनी पतंजलि की औषधि भी आई है, विटामिन D2K की टैबलेट है अपनी कैप्सूल, और विटामिन B12 पतंजलि का बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट है हमने सारे पेशेंट्स में देखे। तो ये सप्लीमेंट है, बट ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ब्लड में मेंटेन करें, इसके कारण, इसकी कमी के कारण लंबे समय में हमारे शरीर में कई सारे न्यूरोमस्कुलर डिसीज उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पैरों में कंटिन्यूस न्यूरोपैथी, जिसको डायबिटीज है उसका D3 B12 भी कम है, B12 कम है, तो न्यूरोपैथी डेवलप होती है पैरों में, आपकी नसों का संचारण में कमी आ जाती है, माइलिन शीट जो नसों का कोटिंग होती है वो डैमेज हो जाती है, इसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो B12 की कमी से, D3 की कमी से जॉइंट डीजनरेशन, आर्थराइटिस जल्दी आ जाता है आपको, ये जोड़ों में स्पेस में कमी आ गई, गर्दन में आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये गर्दन की हड्डी आपकी घिसने लग गई, कमर की हड्डी आपकी घिसने लग गई, साइटिका डेवलप हो गया, इसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस, बहुत कॉमन है। सिर्फ पोस्चर से और D3 B12 डेफिशिएंसी से, आपने एक्सरसाइज नहीं करी, तीनों के कॉम्बिनेशन से ये डीजनरेटिव चेंजेस, मतलब कि शरीर में बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, एजिंग जल्दी हो रही है बॉडी के अंदर, जो एज की रैपिड ग्रोथ होती है। अभी आप देखिए पूज्य स्वामी जी को, उनकी फिजिकल एज भले ही 55 के आसपास हो, पर उनकी मेटाबॉलिक एंड बायोलॉजिकल एज
इट्स अराउंड, जो पीआरआई में अनुराग जी ने टेस्ट किया था सारे ब्लड से, वो लगभग 25 साल के आसपास है। मतलब उम्र भले ही, एज भले ही फिजिकली ज्यादा हो सकती है, आप अपने मेंटली भी कम रख सकते हैं और फिजिकली अंदर से बायोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एज वो भी आप कम रख सकते हैं जस्ट बाय मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट, आहार एंड लाइफस्टाइल, जिसमें विचार और व्यवहार दोनों आ जाते हैं, आहार विचार व्यवहार। ओके, तो इसमें और डिसीज में आपको बताऊं जस्ट कॉमनली, किसी को कोई डिसीज के बारे में कुछ नाम याद हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा हाथ खड़ा करके, किस किस को हम क्योर कर सकते हैं, जिसमें एलोपैथी में बताया जाता है कि इसका कोई क्योर नहीं है क्योंकि हमने देखा है। मैंने बताया लिवर डिसीज, लिवर का हर रोग को हम प्रॉपर क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा लंग के डिसीज, इसके अलावा हमारे जॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे अपने वेलनेस में देखा है जिसके घुटने पूरे घिस गए हैं, जिसको डॉक्टर ने बोला है माता जी को कि आप माता जी आपका दोनों नी का ट्रांसप्लांट कराना है, टोटल नी ट्रांसप्लांट, और उन्होंने अपना 6 से 8 महीने में पूरे घुटने का जो गैप बिल्कुल कम हो गया था उसको वापिस मेंटेन कर लिया है, वजन कम करके, एक्सरसाइज करके, विटामिन D3 मेंटेन करके, B12 मेंटेन करके, अपना पीडानिल ऑर्थोग्रिड के द्वारा, और मेन योग करके और यज्ञ करके, पीडानिल पीडांतक जूस पी करके, अपना भुना हुआ लहसुन खा करके, जो वात डाइट है, और रिवर्स कर लिया। MRI में हमने प्री एंड पोस्ट देखा कि उसमें डिफरेंस जो गैप था वो वापस नॉर्मल हो गया है। वही ऑर्थोपेडिशियन ने उनके पास लेके गई कि आपने तो कहा था कि मेरे दोनों घुटने बदलेंगे क्योंकि आर्थराइटिस हो गया, ये रिवर्स नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा ये तो आपने अद्भुत, खुद से मेहनत करके अद्भुत चमत्कार के रिवर्स कर लिया आपने। तो बेसिकली आप इस चीज में अश्योर रहें कि वेलनेस के जो अपना आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा योग का ट्रीटमेंट है, जो आप जिसके अनुयायी भी हैं और आप लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचा रहे हैं, तो इसके द्वारा हम ये सारी बीमारियां जो कहा जाता है कि इनक्योरेबल है या जीवन भर दवा लेनी है, वो हम इसको पूरी तरह से ठीक करके और हेल्दी भी मेंटेन कर सकते हैं कि आगे वापस ना हो। एग्जाम्पल, स्किन के ऑलमोस्ट सभी रोग, चमड़ी के जितने भी रोग, सोरियासिस, इसको ऑटोइम्यून बीमारी बोलते हैं, सोरियासिस पूरी बॉडी पे सफेद सफेद पैचेस बन जाते हैं, खुजली आती है, ड्राइनेस रहती है चेहरे पे, सब दूर सोरियासिस हो जाता है। एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, ये मुख्य मुख्य बीमारी का बता रहा हूँ जो एलोपैथी में इसको बोलते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती। ये सारी हमारे यहाँ अपन ने ऑब्जर्व किया है, लॉन्ग टर्म हमारे पास पेशेंट्स का डेटा भी है, साधकों का, और जो फॉलो करता है वो इसको पूरी तरह से 100% क्योर कर लेता है। ठीक है, स्किन की बीमारियां, हेयर फॉल, आप में से भी बहुत सारी महिलाओं को, हमारी बहनों को रहता होगा कि बाल काफी ज्यादा झड़ते हैं, तो जब भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो कि स्किन में आपके प्रॉब्लम्स हो, बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, शरीर में दर्द हो, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि न्यूट्रिशन, क्या क्या कमी आपको हो सकती है, विटामिन D3 B12 अपना चेक करें, अपना हीमोग्लोबिन चेक करें। कई बार क्योंकि हम आजकल कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई पहले हम यूज करते थे दाल बनाने के लिए, सब्जी, पालक की सब्जी बनाने के लिए, आजकल लोहे की कढ़ाई ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, नॉनस्टिक कढ़ाई आ गई, माइक्रोवेव आ गई, तो आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती जा रही है, और आयरन, फेरिक और हमें एक स्पेसिफिक अवस्था में आंतों से एब्जॉर्ब होता है। भले आप आयरन की टैबलेट लें जो एलोपैथी वाले देते हैं, जरूरी नहीं कि उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर जो रहता है, हीम और ग्लोबिन का एक कॉम्बिनेशन होता है हीमोग्लोबिन, ये अपने RBC रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है प्रेजेंट, और हीमोग्लोबिन ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैरी करता है। अब इससे कितना इंपॉर्टेंट है आप देखिए, ब्लड में मेरे पूरा जो रेड कलर है, आप सबके ब्लड में रेड कलर बनता है अपने RBC रेड ब्लड सेल्स से। रेड ब्लड सेल्स होते हैं WBC होते हैं, और हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, और हमारे होते हैं ब्लड का प्लाज्मा, चार चीजें होती है इसमें। तो रेड ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे ही हमारा सब कुछ है ऐसे मान लीजिए आप, और वो रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो बन रहा है आयरन से, लोहे से, है ना। तो लोहे की कमी डाइट में या एब्जॉर्प्शन की कमी हमारी आंतों के द्वारा, किसी को बहुत ज्यादा कब्जी है, गैस है, एसिडिटी है, पाचन अच्छा नहीं है, तो आप खा तो रहे हैं लोहे की कढ़ाई में पर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा आंतों में से, अपने खून में नहीं जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन की कमी। आप जस्ट मैं एक बहुत कॉमन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके बारे में आप लोगों को एक बेसिक बता रहा हूं
क्योंकि आप सब इसके मैसेंजर है, आप सब खुद को भी फिट रख सकते हैं इससे। तो आपने चेक किया हीमोग्लोबिन कम है, मतलब इंसान जल्दी थकेगा अगर किसी के ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है। महिलाओं में रहता है 11, 12, 13, ये आपके लिए आइडियल रेंज होती है। और 10 से अगर कम है, 10 से कम जैसे 8 है, 9 है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि आपको जल्दी थकान हो रही है। ऑक्सीजन बहुत सारे सेल्स में जल्दी जल्दी नहीं पहुंच पा रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है पूरे पैरों में, आपके काफ में, और घर का काम कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, जल्दी थक जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगी, आपको रेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन, इसके लिए भी विटामिन B12 बहुत जरूरी है कि हमारा आयरन प्रॉपर एब्जॉर्ब हो और प्रॉपर हमारा हीमोग्लोबिन फॉर्म हो और हमारा ये रहे। देखिए मल्टी विटामिन जो टेबलेट रहती है, इसमें क्या करती है कंपनियां, ये मार्केटिंग है मल्टी विटामिन। एक्चुअली आइडियली आपको सबसे सारा विटामिन पूरा नहीं कर देती मल्टी विटामिन में, विटामिन B1 से B12, विटामिन डी, ऐसे सब चीज मिला करके दी जाती है, ओमेगा, है ना, जिंक, विटामिन सी, अलग अलग विटामिन्स हैं। ये हमें डाइट में रोज मिल रहे हैं, आप एक नींबू पानी ले रहे हैं तो उसमें आपको लगभग विटामिन सी मिल रहा है जो आपको दिन भर में चाहिए। एक आंवला ले रहे हैं आप, आंवले से आपको दिन भर का विटामिन मिल रहा है, या एक ऑरेंज ले रहे हैं आप, कुछ भी घर की जो अपने खाद्य सामग्री है, फल, सब्जियां, दालें, उसमें बेसिकली हमें विटामिन मिनरल्स लगभग सारे मिलते हैं, खासकर सब्जियों में और फलों में और ड्राई फ्रूट्स में, नट्स, अखरोट, बादाम, पिस्ता, मुनक्का, अंजीर, द्राक्ष, खजूर, या नेपाल में कोई आपके लोकल ड्राई फ्रूट्स मिलते होंगे। तो मल्टी विटामिन की टैबलेट क्या होती है, इन्होंने रिक्वायर्ड डेली अलाउंस होता है आपके शरीर में एक दिन में, एक मान लीजिए विटामिन B12 एक दिन में, ये इसका RDA है, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, इतनी मात्रा में शरीर को रोज मिलना है, तो आपके शरीर में ब्लड में आपका B12 नॉर्मल रहेगा और आपको थकान कमजोरी नहीं होगी, डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो मल्टी विटामिन आपने टैबलेट तो खा ली, पर उसका एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, जो भी हम एलोपैथी की टैबलेट लेते हैं मल्टी विटामिन की, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम मात्रा में होता है। ऐसा देखा गया है कि पेशेंट बहुत लंबे समय से मल्टी विटामिन ले रहे हैं फिर भी सारी डेफिशिएंसी है, योग नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, शरीर का मूवमेंट कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ बैठ करके गोली खा लेंगे उससे काम बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था आयरन हो गया, फिर विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन सी। विटामिन सी का भी ध्यान रखिए, आप अकेला ऐसा विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, मतलब मेरी बॉडी में मैंने आज एक ऑरेंज ले लिया, आज मैंने 4 आंवला खा लिए, तो ये मेरी बॉडी में मैं 20 दिन बाद टेस्ट कराऊंगा वो नहीं रहेगा। रेगुलर आपको डाइट में चाहिए, डेली आपको डाइट में चाहिए विटामिन सी, है ना। तो इसको हमें नेचुरली लेना बहुत जरूरी है। इसकी कमी से क्या होता है, हेयर फॉलिकल, स्किन। विटामिन सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर, फॉर योर स्किन एंड फॉर योर सर्कुलेशन ऑल्सो। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, कई बार आपने देखा होगा पैरों में सुन्न हो जाता है आपका पैर, ब्लड सर्कुलेशन आपका कम है ना, उसके साथ साथ खून का संचारण भी आपका कम है, तो उसके कारण भी आपको ये सारी दिक्कतें होती है। और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं सोडियम पोटेशियम नमक। अब सोडियम क्लोराइड नमक को हम बोलते हैं, नॉर्मल नमक को, वो भी आपको 2 से 3 ग्राम दिन भर में चाहिए। ज्यादा लेंगे तो भी नुकसान करेगा, कम लेंगे तो आपके हाइपोनाइट्रीमिया, हाइपो आपका क्लोराइड, ये हो जाएगा, तो इससे भी दिक्कत है कि थकान जल्दी होगी। आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, आप जैसे यहाँ गर्मी है तभी बहुत ज्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली, पसीना ज्यादा हो गया, पानी नहीं पिया, खाने में नमक नहीं लिया, आप सिर्फ फल पे हैं, तो क्या होगा, एकदम से थकान हो जाएगी। क्यों, पसीने से नमक निकल रहा है आपका जो शरीर में मेहनत कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट आप ले रहे हैं डाइट में वो निकल रहा है, पर बॉडी में कमी हो गई सोडियम की, तो नसों का संचारण हमारा अफेक्ट हो गया, तो एकदम से आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे, आपका BP लो हो जाएगा अगर आपके रेगुलर नमक, तो नमक भी आइडियल है। आप लोग, कई लोग ऐसे सोचते होंगे सिर्फ हम सेंधा नमक ले लें, सिर्फ हम काला नमक ले लें तो हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेन आपको जो नॉर्मल सॉल्ट है हमारा, वो भी हमें 2 से 5 चुटकी रेगुलर चाहिए। जैसे आपने आटा गूंद रहे हैं आप रोटी बनाने के लिए, चावल बना रहे हैं आप,
भात बना रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा नमक डालने की आवश्यकता रहती है, नॉर्मल नमक। सलाद बना रहे हैं या कुछ फल ले रहे हैं सलाद में ऊपर से डाला तो ठीक है, आप काला नमक सेंधा नमक डाल सकते हैं, तीनों बराबर मात्रा में आवश्यक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप लोग सब अपने घर पे खाना बनाते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना, अपने से बड़ों के लिए, तो उसमें इस चीज की कमी भी ना हो कि आप नॉर्मल नमक खाना ही बंद कर दें। कि स्वामी जी ने कहा, आचार्य जी ने कहा, नमक से नुकसान होगा, नमक से बीपी बढ़ेगा, ज्यादा लेंगे तब, बहुत ज्यादा नमकीन आपने खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, दिन भर आप नमक की ही चीजें खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, है ना, मैदा की चीजें खा रहे हैं, तो इन सारी चीजों के बाहर की चीज में नमक बहुत ज्यादा डलता है, चीनी बहुत ज्यादा डलती है। इसलिए जितना हो सके बाहर का भोजन घर में कम से कम आए। सबसे आइडियल भोजन तो हम जो घर पे बनाते हैं, उबली हुई सब्जियां, दालें, दही, छाछ, छेना आप लोग बनाते हैं, चपाती बनाते हैं या दाल भात खाते हैं, आप भात बनाते हैं, तो इसमें हमारा बेसिक सारा न्यूट्रिशन। इसके अलावा जो सीजनल फल आ रहा है, मान लीजिए कभी एप्पल आ रहा है, कभी अभी थोड़ा सा गर्म मौसम में ऑरेंज मौसमी आ रहे हैं, अपना आंवला आ रहा है, अभी फरवरी जनवरी में तो आंवला आता है, तो ये सारी चीजें जो सीजनल आ रही हैं वो बॉडी में जाना बहुत जरूरी है प्रॉपर मात्रा में। मैं आगे चल के थोड़ा डाइट प्लान भी आपको ब्रीफ करूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको बात कर रहा हूँ सिर्फ डेफिशिएंसीज की, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया क्या 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 चीज, आयरन, विटामिन B12, विटामिन D3, हमारा सोडियम क्लोराइड जो कि नॉर्मल नमक से मिलता है, और इसके अलावा विटामिन E। विटामिन ई कैसे मिलता है, जैसे अखरोट है, बादाम है, बादाम में भी हमारा बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन E होता है। विटामिन E हमारी स्किन के लिए भी बहुत जरूरी होता है, हमारी स्किन की लेयर बनाने के लिए, है ना। अखरोट है, बादाम है, और तो सब दालों में भी मिलता है कम मात्रा में, पर ड्राई फ्रूट्स में ज्यादा इसका कंटेंट रहता है जो हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। और ड्राई फ्रूट्स को लेने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ी देर भिगो करके, जैसे अखरोट और बादाम आपने रात को भिगोया एक कटोरी में और सुबह आपने उसको खा लिया, छिलका उतार के या छिलका समेत, जैसे आपको उचित लगे। अखरोट तो आपने ऑब्वियसली गिरी ही भिगाई है, ठीक है। तो बेसिक आपने चार पांच चीजें समझी जिसका डेफिशिएंसी से हमें डे टू डे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और डाइट में अब आयरन किस में ज्यादा है आपका क्वेश्चन है। आयरन एक तो आप लोहे की कढ़ाई में या लोहे के तवे पे चपाती बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो लोहे का तवा यूज करें, लोहे के बर्तन अच्छे हैं, उसके बाद स्टील के, एल्यूमिनियम के कभी यूज नहीं करने। एल्यूमिनियम का स्टील का कुकर है आपका कोई काम का नहीं है, स्टेनलेस स्टील इज ओके, स्टिल ओके, है ना। और आयरन जो कास्ट आयरन है, लोहा, वो सबसे बेस्ट है। कि आपको मिनिमम जितना शरीर को आपके आयरन चाहिए वो आप उसमें पालक की सब्जी बना रहे हैं, बथुआ की सब्जी बना रहे हैं, है ना, उसमें आप रस्से वाली गाजर की सब्जी बना रहे हैं, गाजर चुकंदर या गाजर टमाटर, इन सब में आपको न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है और उससे एब्जॉर्प्शन भी इजीली हो रहा है आपकी आंतों में से। क्लियर है ये बात। तो आयरन सबसे ज्यादा है अपने चुकंदर में, पालक में, टमाटर में, चुकंदर इज बीटरूट, यस, और हरी सब्जियां सारी, बथुआ वेरी रिच इन आयरन, है ना। उसके अलावा सब्जियों में और कुछ, अनार, फलों में देखते हैं तो सबसे ज्यादा अनार में अच्छी मात्रा में रहता है। वीट ग्रास जो इसको हम बोलते हैं, हम उगाते हैं घर में गेहूं, गेहूं का ज्वारा, तो दैट इज वेरी रिच इन आयरन। अपना पतंजलि का उसका वीट ग्रास पाउडर भी आता है, जूस भी आता है, आप लोग यूज भी करते होंगे, आंवला का, एलोवेरा का, गिलोय का, वीट ग्रास का, ये पतंजलि के हमारे जूसेस हैं जो आप सुबह सुबह खाली पेट पिए तो ज्यादा अच्छा है, आपको सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है इससे। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर है हमारा। और ड्राई फ्रूट्स में सब में आयरन अच्छा है, खासकर जो ब्लैक है, ब्लैक डेट्स, काले खजूर जो आते हैं अपने पतंजलि के आते हैं, ब्लैक डेट्स, बड़े बड़े खजूर। इसके अलावा अंजीर, अंजीर को हम बोलते हैं करंट, CURRENT, फिक्स बोलते हैं अंजीर को, FIGS, फिक्स, ओके। करंट होती है काली मुनक्का, उसमें भी आयरन बहुत अच्छा होता है, काली मुनक्का, द्राक्ष, ये सब पतंजलि के आ रहे हैं अपने, है ना। ब्लैक करंट, डेट्स, फिक्स, इनमें अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आयरन होता है। और सारे विटामिन्स भी होते हैं जो मैंने आपको बताया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स,
क्लियर है? तो ये मैंने आयरन का आपको स्पेसिफिकली बताया। विटामिन डी कैसे मिलेगा आपकी बॉडी में, कैसे बनेगा? रेगुलर लगभग 10 से 20 मिनट आप धूप में बैठना है। जैसे सर्दी का जब मौसम है, अब धूप में क्या चीज है जो विटामिन डी शरीर में बना रही है? धूप में होती है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, एक स्पेसिफिक रेज होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसमें क्लासिफिकेशन था बी। तो वो आपके स्किन में जब पड़ती है तो इसके अंदर आपके रिएक्शंस होते हैं, इसमें विटामिन डी3 जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होता है।